हाँ तो भैया, क्या हाल है? आज हम विज़िट करने जा रहे हैं गुजरांवाले की फेमस फूड स्ट्रीट को, उसके बाद हम कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस को भी विज़िट करेंगे। मैं आज क्लैब कर रहा हूँ कई यूट्यूबर्स के साथ और हमारी टीम आ चुकी है, अभी हम ड्रोन्स का टेस्ट कर रहे हैं। हाँ तो भैया, ये देखें, यहाँ पर ड्रोन टेस्ट हो रहा है। अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। ड्रोन शॉट्स हमने ले लिए हैं और अब हम मूव कर रहे हैं फेमस क्लॉक टावर की तरफ, जो कि ब्रिटिश इरा का है, और हम उसका भी ड्रोन व्यू लेंगे। तो चलिए चलते हैं हम। तो हम जा रहे हैं गुरु नानकपुरा। आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है, सुबह सुबह का वक्त है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गर्मियाँ भी आ रही हैं, तो काफ़ी एक अच्छी फीलिंग सी आ रही है। तो गाइज़, ये सामने है हमारे गुजरांवाला का फेमस गोंदलावाला चौक, इसको पहलवानों का चौक भी कहा जाता है। भैया, अभी मैं मौजूद हूँ क्लॉक टावर पर, आप देख सकते हैं पीछे मेरी टीम खड़ी हुई है। इनके साथ आज हम विजिट करेंगे गुजरांवाला की मशहूर फूड स्ट्रीट को। तो अब हम लेने लगे हैं क्लॉक टावर का एरियल व्यू और हम आपको दिखाएंगे कि क्लॉक टावर ऊपर से कैसा लगता है और इसकी लंबाई कितनी है। हाँ तो भैया, आप हम मूव कर रहे हैं, मेरी टीम जो है वो रेडी है, हमने ड्रोन शॉट्स भी ले लिए, तो चलिए बढ़ते हैं। गुजरांवाला के सबसे मजे के चने हाजी अल्लाह देता से मिलते हैं और अब हम उनकी दुकान पर हैं, तो चलिए हम अंदर चलते हैं। आप अंदर के मनाजिर देख सकते हैं, काफ़ी रश है, हमारे लिए जगह नहीं, इसलिए अब हम ऊपर जा रहे हैं। हाँ तो अब हमने ऑर्डर लगवा लिया है, ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। ये देखें, यहाँ पर गुजरांवाला के फेमस व्लॉगर्स भी आए हुए हैं। तो भैया, हमारा ऑर्डर आ चुका है, आप देख सकते हैं, ये है हमारे गुजरांवाले के फेमस हाजी अल्लाह दीता के मशहूर चने। देखने में कितने मजे के लग रहे हैं और टेस्ट में कैसे होंगे, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रही। ये हमारे दीप भाई सुबह सुबह लाइन में लाके यार, बताना पड़ेगा ना। ये देखे आप, गुजरांवाला का जो पहलवान है वो फुल तैयार है, ये देखे फुल तैयारियाँ हो रही है। हाँ तो भैया, आप देख सकते हैं, ये गुजरांवाला के पहलवान है, इन्होंने हमला कर दिया खाने पर। ये सबसे बड़े हमारे पहलवान बैठे हुए हैं। तो चलिए अब हम टेस्ट करते हैं इनके चने, साथ थोड़ा सा एग भी लगा लेते हैं ऊपर। अब हम टेस्ट करते हैं निहारी। यह इनके चने से भी ज्यादा फेमस है, बहुत मजा आया खाकर। जी सबने खाना खा लिया, लेकिन ये जो हमारे पहलवान साहब है ये भी खा रहे हैं। बेटा तुमने आप भी खाना है, शाम को भी आप भी खाना है।
ये देखे कोई भी नहीं खाना खा रहा सिवाय हमारे पहलवान साहब के। ओके बॉस नुमान, अब आप बताएं आपको कैसा लगा इसका टेस्ट? टेस्ट तो आपको पता है, जहाँ पे खाना होता है मुझे बहुत मजे का लगता है, और ओवरऑल इट वाज गुड एक्सपीरियंस। अगर मुझे नंबरिंग के बारे में कहूँ तो इट वाज 9 out of 10, 1 number जो है सिटिंग और उसके बारे से काटे हैं, बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो आपको लगता है आपके पैसे पूरे हो गए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक हो गए। और आपका क्या रिव्यू है? आप तो आउट ऑफ सिटी, आप गुजरा वाला के भी नहीं है, तो आपको कैसा लगा यहाँ पर? मैं फूड ब्लॉगर तो नहीं हूँ, पता चल रहा होगा। जो टेस्ट था वो ऐसा कभी टेस्ट मैंने नहीं किया आज तक, फुल मार्क्सिज्म है। बाकी सिटिंग तो ऐसी होती है क्योंकि आप जब इतना अंदरून शहर में आ जाते हैं, वहाँ पे जो होटल्स होते हैं या इस तरह के छोटे मोटे, वहाँ पे तीन पाँच सिटिंग होती है, लाहौर चले जाएँ, बहुत अच्छा लगा टेस्ट, सब कुछ खा लिया, बस ये शोरबा बच गया थोड़ा, नहारी का बोटियाँ छोटियाँ खा लिया गुजरांवाला के पहलवानों ने। खाना शाना हमने खा लिया है, तो चलिए अब हम वापस जाते हैं नीचे और इंटरव्यू करते हैं शॉप के ऑनर के साथ। हाथ काफी गंदे हो चुके हैं, यहाँ पर इनका नान स्टेशन है, यहाँ पर ये नान लगा, ये है हाफ साल। खाते जुबान है छोटे कुछ हो गए, छोटे कुछ है चावल है, मुझे बनाओ है। अच्छा भाई साहब, मैं देख रहा हूँ आपकी प्राइसेस भी बाकियों की निस्बत बहुत कम है, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये सेल बहुत ज्यादा है, अल्लाह का शुक्र है भाई साहब का कॉल है, थोड़ा खा लो सुथरा खा लो भाई साहब। ये टाइमिंग पूछा था, टाइमिंग की टाइमिंग 2 to 2:30 तक, 2 to 2:30 तक सुबह 2 बजे तक लग जाती है। ठीक है, और भाई साहब फ्यूचर में आपका क्या प्लान है आने वाले वक्त में? आप इस बिल्डिंग को बढ़ाएंगे क्योंकि आपके कस्टमर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, इंशाल्लाह रात को मछली है, रात को बारबेक्यू है, जी ठीक हो माशाल्लाह, तंदूरी टिक्का है रात को। आपका मतलब कि आगे ब्रांचेस खोलने का इरादा है? सही हो गया, आप गोरों को भी खाने की तरफ ला रहे हैं ताकि वो भी सेहतमंद हो। हमारे यहाँ मेहमान आए थे लाहौर से, ये बैठे हुए स्पेशल हम इनको लेके आए हैं आपके पास, कहता है गुजरांवाला के, गुजरांवाला के मशहूर चने खाने हैं। हमने कहा हाई साहब से अच्छे हो ही नहीं सकते भाई, या इसका ले गए भाई, बहुत भाई को पसंद है। गुजरांवाला में ना हजारों चने की दुकान है, हजारों चने की दुकान है। आप नानकपुरे में जाएंगे ना, वहाँ पे आपको क्या मिलने ही चले हैं सबसे ज्यादा। एक साल पहले जब मैंने शॉप को एक्सप्लोर किया था ना यार, मुनफरी आप, अगर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप 8 बजे हैं, क्योंकि अगर आपको टेस्ट लेना ना सही, जब भाई साहब ने अपना देखा खोलना है अब आप तक पहुँच जाए, नाश्ता करने आए तो आपको वो टेस्ट मिलेगा जो ओरिजिनल है। ये है कि कस्टमर्स इतने ज्यादा है माशाल्लाह से, तो फिर जो है ना चने खत्म होने की तरफ आ जाते हैं, तो जब वो नीचे पहुंच जाते हैं ना तो टेस्ट आपको वो वाला नहीं मिल पाता जो आपको ऊपर से मिलता है। तो मेरा मशवरा यही है कि सुबह 8 बजे आप यहाँ पे नाश्ता करें, सही हो, लोकेशन बहुत आसान है। ठीक है हम फिर चलते हैं भाई साहब, शुक्रिया आपका, आपने हमें इंटरव्यू दिया। हाँ तो भैया रोटी छोटी है हमने, हाँ आप हमारे पहलवान दे सकते हैं, आप आप ये सैर कर रहे हैं, जरा खाना सब खा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं लस्सी पीने, गुजरांवाला की सौगात है कि हम खाने के बाद लस्सी पीते हैं। टेप शीन सारी तैयार है, तो चलिए बढ़ते हैं हम। नानकपुरे और यहाँ पर हम पीने आए हैं लस्सी, ये है हमारे पंजाब की सौगात। ये
आप हमारे लस्सी के ग्लास रखने लगे हैं, आप देख सकते हैं ये किस तरह बनाते हैं। फेमस लस्सी है ये गुजरांवाला की, मटके में रखते हैं ताकि ये ठंडी रहे। ये जो पहलवान है सारे बेताब हो रहे हैं लस्सी पीने के लिए। वाह जी, फेमस ये है हमारे गुजरांवाला की सौगात। वाह जी वाह, लस्सी के साथ ये हमारे गुजरांवाले की स्पेशल सौगात, मजा ही आ जाएगा। आज गुजरांवाला के लड़के हैं और खाने के बाद लस्सी ना पी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये देखें सारे पंजाबी बॉयज इसमें लस्सी पकड़ के लगे हुए हैं। ये है जी लस्सी को निगड़ा लगड़ा लगा लगा के लस्सी उधर चली जाती है। सही हो गया, ये लस्सी को रगड़ा लगा के जो मक्खन आता है ये वो है, उसके ऊपर ये शक्कर डाल के देते हैं, बहुत ही टेस्टी है। आपने इसे सबको यही पता है कि आज के नहीं के पाए वो आपको पुल के पास से लगे। यस, बट असल ब्रांड, असल ब्रांड जो है ना वो ये है सबसे पहले। ये देखे ये इनके असल ब्रांच है सबसे पहले। तो गाइस अब हम मौजूद हैं बॉम्बे स्वीट्स पर। ये हमारे गुजरांवाला की बहुत ही मशहूर स्वीट है, इसकी खास तौर पर हलवा पूरी बहुत फेमस है। इसको थोड़ा जूम करके दिखाएंगे आपको। अब हम इनका हलवा टेस्ट करेंगे और आपको रिव्यू देंगे। यहाँ पे इनके हलवा पूरी। तो अब हम टेस्ट करते हैं हलवे को। ये देख रहे हैं आप, ऊपर खोया इन्होंने डाला हुआ है, मैं हम चेक करते हैं कितना डेंस है। ये बहुत आसम, वेरी ऑसम एंड इट्स वेरी डेंस, वेरी डेंस है। अब हम आ चुके हैं पार्क, सब कुछ खा पी के लस्सी शस्सी सब कुछ पी लिया और अब हम पार्क में जा रहे हैं। ये है हमारे गुजरांवाला का फेमस और मशहूर पार्क। तो चलिए अब हम फिर ड्रोन को उड़ाते हैं और एरियल व्यू लेते हैं जन्नत बीबी पार्क का। हाँ तो भैया अब हम मौजूद हैं जन्नत बीबी पार्क में। ये है भी काफ़ी पुराना पार्क है, ये आप दिखाया जरा इनको, काफ़ी पुराना पार्क है ये भी, जन्नत बीबी के नाम से मशहूर है। गुरु नानक पुरा में इसलिए बनाया कि हमारे यहाँ के पहलवान रोटी छोटी खाकर यहाँ पर वॉक करें। दिखाएं जरा जो हमारे पहलवान यहाँ पर वॉक कर रहे हैं, ये देखें रोटी छोटी खा के सुबह का नाश्ता करके। यहाँ पर सारे जो हमारे गुजरांवाला के बछिंदे हैं ज़्यादातर पहलवान होते हैं, वॉक शॉक करते हैं। आप देख रहे हैं बच्चे भी आ रहे हैं खाना नाश्ता करके, कुछ बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा एक पार्क है, यहाँ पर सिटिंग एरिया भी बनाया है और हमारे कुछ टीम मेंबर्स वहाँ बैठकर गप्पे शप्पे मार रहे हैं। गुजरांवाला के पहलवान देखें आप, रोटी छोटी खा के वाकशा कर रहे हैं। पार्क के अंदर सतूत लगे हुए हैं, ये देखें आप इसको तोड़े मरोड़े और खा लें। ये देखें तोड़े मरोड़े और खा लें, बहुत टेस्टी। ये वाइट है और वो ब्लैक लगे हैं, यहाँ पर ब्लैक शतूत भी लगे हैं। वो देखे अंकल उतारे हैं। हमारे पाकिस्तान में ऐसे पार्क कम ही दिखते हैं जहाँ पर ये सारे पके हुए हैं। वो देखे ऊपर पके हुए।
हमारा आज का व्लॉग इधर तक ही था, फिर आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।